माँ लखना को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आज जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है। उम्मीद करता हूँ आप सब मेरे देशवासी, मेरे प्रदेशवासी, भारतवासी, हर व्यक्ति सुखी हो, स्वस्थ हो, संपन्न हो। आज चर्चा बड़ी ही खास होने जा रही है, प्रियंका गांधी। गांधी नहीं आंधी है, दूसरी इंदिरा गांधी है, ऐसे जुमले चल रहे हैं बाजार में। कोई कह रहा है दुर्गा का रूप है, तो कोई कह रहा है कि ये सत्ता परिवर्तन में बड़ा ही रोल प्ले करने वाली है। उत्तर प्रदेश के चुनाव तो निकट है ही, इसी ये लखीमपुर खीरी चर्चा का विषय है। नहीं तो एक ऐसा शहर कहूँगा, सीतापुर से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पे खीरी, जहाँ पर मेरा जाना होता था माँ ललिता देवी का आशीर्वाद लेने, और माँ ललिता देवी चक्र तीर्थ बड़ा ही फेमस स्थल है भारत में। लेकिन यकीन मानिए, प्रदेश का कोई नेता जाना छोड़िए रैली तक करने वहाँ नहीं आते, लेकिन आज दौड़ देखिए, मस्खरा पंजाब से आने को तैयार है सिद्धू। क्यों? क्योंकि बॉर्डर लगता है पंजाब उत्तराखंड। अखिलेश भैया अपनी नाक लेके वहां गए, नाक ऊंची करने, हुई नहीं हुई वो बात की बात है, लेकिन गए। प्रियंका गांधी ने लेकिन कहीं ना कहीं हवा की बयार को समझा और लखीमपुर खीरी में कहीं ना कहीं एज तो नहीं लिया। तो आज चर्चा करेंगे उनकी कुंडली पर, विस्तार से बताएंगे क्या प्रियंका गांधी है इंदिरा गांधी अगली कांग्रेस के लिए, क्या रियली प्रियंका गांधी होंगी अगली आंधी, क्या भाजपा जो कि प्रदेश में मजबूत नजर आ रही है, केंद्र में मजबूत नजर आ रही है, मैं जिसकी घोषणा भी कर चुका हूं, क्या वो कमजोर हो सकती है प्रियंका गांधी की वजह से? क्या कहती है इनकी कुंडली? क्या सीएम बनने की ताकत है? क्या पीएम मटेरियल है? क्या 2022-2024 में चुनौती होंगी? क्या कांग्रेस की खेवन हार होंगी? इन सब बातों पर आज चर्चा करेंगे विस्तार से। लेकिन उसके पहले एक खास बात, कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी, जित कैचे तित जाऊं। हिंदी में इसको कहेंगे तो कबीरदास जी कहते हैं, मैं राम का भक्त हूँ, राम का सेवक हूँ, राम का वफादार हूँ, इसलिए वो अपने को स्वान कहते हैं, कुत्ता कहते हैं, और मोती मेरा नाम है, गले में राम नाम की जंजीर है, जिधर ले जाते हैं वो उधर चला जाता हूँ। तो कुछ ऐसी ही गले में सत्ता नाम की जंजीर है भारतीय नेताओं के, और जहाँ मसाला मिलता है खास तौर से उत्तर प्रदेश में, वहां पहुंच जाते हैं। लखीमपुर खीरी से जस्ट 20-25 दिन पुरानी बात है, फिरोजाबाद में हाहाकार मचा था, योगी आदित्यनाथ ने वहां का दौरा किया, सीएमओ को वहां से हटाया, रहस्यमय बुखार फैल रहा था, तब कोई नेता नहीं पहुंचा। हमारे साइकिल सवार 22 में बाइसिकल अखिलेश यादव भी नहीं पहुंचे। इनकी कुंडली पर भी जल्दी चर्चा करेंगे, हालांकि वो नेता अच्छे हैं, व्यक्ति अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बात को नहीं बढ़ाते हैं और प्रियंका गांधी की बात करते हैं। देखिए पहली बात, कुंडली कौन सी है बाजार में? मिथुन लग्न की कुंडली है, हर दूसरे ज्योतिषी के पास है, जो कि गलत है। इसीलिए कुछ अलग करेंगे आज, चंद्र लग्न से इनकी कुंडली देखेंगे जो कि सही है, और एक एक बारीकी पे चर्चा करेंगे और देखेंगे क्या ये कांग्रेस की खेवन हार साबित हो सकती है। क्योंकि मैं इस बात को जरूर मानता हूं कि एक मजबूत विपक्ष देश की दशा और दिशा बदलता है।
जो कि कांग्रेस आज की डेट में नहीं दे पा रही है। क्या प्रियंका गांधी में वो मादा है, वो कुव्वत है, ये जरूर देखते हैं। चलिए भाई, लग्न में भाग्येश चंद्रमा बैठे हैं, कुंडली जैसा कि हम आपको दिखाई रहे हैं, लग्न में भाग्येश चंद्रमा बैठे हैं जो मोदी जी के भी है, और लग्नेश पंचम में बैठा है, नवमेश कहां लग्नेश, लग्नेश कहां पंचम, तीनों त्रिकोणों का आपस में संबंध ज्योतिष शास्त्र के अगर बात करें तो बहुत बड़ी बात है। निश्चित तौर पर एक मजबूत कुंडली है, एक मजबूत सोच वाली लेडी है, एक मजबूत विचारों वाली लेडी है, सोच क्लियर है, क्या पहुंचना है, कहां पहुंचना है, कितना जाना है लाइफ। भाग्य भाव में केतु बैठा है, निश्चित तौर पर राहुल गांधी पे लोग जरूर इल्जाम लगाते हैं कि मंदिर मंदिर जा रहे हैं साहब, लेकिन अगर प्रियंका का इतिहास खंगालें तो प्रियंका अक्सर ही मंदिर में जाती दिखती थी, क्योंकि केतु का कहीं ना कहीं प्रभाव है। और लग्न का मालिक पंचम में अपने आप में कहते हैं पूर्व जन्मों का आशीर्वाद लेके आया है, पूर्वजों का आशीर्वाद लेके आया है, और खास तौर से पंचम से एकादश देख रहे हैं, निश्चित तौर पर महत्वाकांक्षा और प्राप्ति भी कुछ ना कुछ देंगे। दूसरा घर जो कि वाणी का होता है, यहां सूर्य बुध बृहस्पति बैठे हैं, वृश्चिक चंद्र लग्न के हिसाब से देखा जाए तो खास तौर से चंद्रमा और बृहस्पति की मेकर हो जाते हैं, किंग मेकर हो जाते हैं, और मूल त्रिकोण का बृहस्पति बहुत कुछ कहता है मेरे दोस्तों। 5'8" हाइट है, ये लंबा कद मिथुन लग्न नहीं देते, इसीलिए कह रहा हूं लग्न गलत, लग्न तो नहीं बताएंगे, लेकिन हाल वृश्चिक राशि की चंद्रमा है उसी के हिसाब से कुंडली बताएंगे। तो खास तौर से दूसरे भाव में सूर्य बुध बृहस्पत, बुध के साथ जब बृहस्पत होता है ना तो वाणी पे कंट्रोल देता है, नपा तुला बोलता है, समझ के बोलता है। तो अगर आप वाणी इनकी तलाशें और समझें तो ये तो आप भी मानेंगे समझ है। अब शब्द से लेके कुछ ऐसी चीजें नहीं इनके जवान से निकलती हैं जो कि हमने मिसेस गांधी से लेके राहुल गांधी की से सुनी है कभी कभी, लेकिन इनके मुंह से नहीं निकलती है, ये चीज इन्हें अलग बनाता है। बृहस्पति यहाँ स्टेबिलिटी देता है, वाणी पे कंट्रोल देता है, आठवें और दसवें को देख रहा है, दसवां कैरियर कैरियर से लाभ देता है, आठवां समझ देता है चुनावी मुद्दों की भी। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, तीसरा भाव, तीसरे का राहु वैसे भी बहुत मजबूत राजनीति के लिए मजबूत राहु। चौथा भाव शुक्र, जनता का भाव, जनता इन पे कहीं ना कहीं राहुल गांधी की अपेक्षा ज्यादा यकीन करती है, शुक्र का यहाँ होना इसे लग्जरी भी मिली हुई है तमाम तरह की। पांचवा घर मंगल निश्चित तौर पर मजबूत, लेकिन छठे का स्वामी होके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, छठा प्रतिस्पर्धा कंपटीशन, और लग्नेश भी है निश्चित तौर पर मजबूत क्योंकि बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति या मूल त्रिकोण के निश्चित तौर पर प्रतिस्पर्धा में ये किसी को भी पीछे छोड़ सकती है। सातवें भाव का शनि, अपने शत्रु से लड़ना आता है, लग्न अगर आप हैं तो सातवां कौन, जेमिनी, मेदिनी ज्योतिष में इसको शत्रु का भाव इसीलिए कहा गया है क्यों, सातवां आपके अपोजिट होता है, अपोजिट कौन, अपोजिशन। तो शनि यहां बैठने होने की वजह से निश्चित तौर पर एक बलशाली योग बनाते हैं, और खास तौर से कुंडली को मजबूत बनाते हैं, और खास तौर से इनमें लड़ने की कुव्वत देते हैं। हालांकि 2004-05 से ही मैडम एक्टिव है पॉलिटिक्स में, लेकिन अगर मैं इनकी सही समय देखूं तो भाई 2019 में ऑफिशियली महासचिव बनाई गई लोकसभा इलेक्शन के पहले, और तभी मैं मानूंगा इनका उत्थान शुरू हुआ, समय था शुक्र में शनि, पूर्ण रूप से इनको कमान नहीं दी गई। और आज भी जितना मैं जानता हूं राजनीति को और जितने मैं नेताओं से मिलता हूं अपने अनुभव के आधार पर, मेरे मित्र जो हैं नेताओं में वो आज भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं, देखिए उसको ज्योतिष से बता रहा हूं, चंद्रमा नीच के, तो मां जो है ना वो आज भी बेटे को आगे रख रही है, लेकिन मैं इतनी गारंटी से कह रहा हूं जब ये चार्ट मैंने आज देखा समझा गहराई में, अगर बिटिया आगे कर दी जाए कांग्रेस 22-24 में आए ना आए वो एक अलग बात है, कांग्रेस संभल जाएगी, एक मजबूत विपक्ष दे लेगी, इसकी गारंटी देता हूं।
ये माता है, मैडम कहते हैं। शुक्र शनि में परिवर्तन हुआ और अभी बुध की दशा शुक्र में चल रही जो कि बहुत मजबूत है, तो इनके चेहरे पे अगर चुनाव लड़ा जाए, इनको सीएम घोषित किया जाए, मैं गारंटी कह रहा हूँ जो चार सीटों पे कांग्रेस बैठी है और दो की तरफ अग्रसर है, चार से दो ही होंगी, छह नहीं होंगी, वो 40 हो जाएंगी। मैडम में ताकत है, मैडम की कुंडली में बल है जो दिखता है। बात आगे करें, बड़ी दशा 23 से आएगी सूर्य की, फिर तेल देखिएगा, तेल की धार देखिएगा, तब इनको रोकना मुश्किल हो जाएगा, चाहे कोई कितना प्रयास कर ले, चाहे कोई कितना प्रयास कर ले, उस समय इनको रोकना मुश्किल हो जाएगा। मेरी आज ये बात नोट कर लीजिएगा, 2024-25 वो साल होगा जब इनको रोकना किसी के लिए मुश्किल हो जाएगा, चाहे अपोजिशन हो चाहे खुद की पार्टी के लोग। अब गहराई में उतरते हैं, जो कि जैसा कि मैं हमेशा ही चार्ट को बताता हूं, तो सबसे पहले बात मैंने आपको क्या बताई जो आपने अभी तक नोट करी होगी, क्या भाई, बृहस्पति मजबूत मूल त्रिकोण में। अब अगर बात को आगे बढ़ाएं तो अष्टक वर्ग में देखिए, तीन तीन घरों को अधिकतम 8 अंक मिलते हैं, इनके तीन तीन घरों को 7 अंक मिल रहे हैं। वो घर हैं पांचवा, छठा और दसवां। पांचवा लाभ, लक्ष्मी स्थान, छठा प्रतिस्पर्धा चुनाव में लड़ना, दसवां कैरियर, नेम फेम प्रोफेशन। भैया बृहस्पति बेड़ा पार लगाने की ताकत रखते हैं और ये इकलौता ग्रह इनको ऊंचाइयों पे छुआने की ताकत रखता है। अगर यही चीज मैं आगे देखूं अष्टक वर्ग में और गहराई में जाके, निश्चित तौर पर ये चीज इनकी मजबूत हो रही है। जैसा कि मैंने दशा का घोषणा करी, 2024-25 से ये आसमान पे होंगी, लेकिन एक चीज और बता दूं, जो लोग ज्योतिषी अक्सर छोड़ देते हैं, क्योंकि भाई आजकल तो तोता भी अंग्रेजी बोलता है, हाँ तो 3 महीने में तोता अंग्रेजी बोलता है, अमित क्लासेस बड़ी फेमस है ना, वैसे हमारे ज्योतिषियों में भी हो गया है, 21 दिन में ज्योतिषी का कोर्स करिए। हमारे काफ़ी शिष्य हैं जो स्पॉन्सर्ड फेसबुक पे ऐड कर करके फेमस हो रहे हैं, मैंने उन्हें, और से 6 महीने का ज्ञान है ज्योतिष का आज की डेट। लेकिन तो ये सब दशाएँ आसान नहीं होती। हाँ तो मैं मुद्दे पर आता हूँ, त्रिभगी दशा को अगर देखें, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, खास तौर से वहाँ मंगल की दशा चल रही है जो कि इनका की मेकर है, मैंने पहले भी बोला था, और उसमें खास तौर से सूर्य शुरू हुआ है 29 सितंबर से, और देखिए 4 अक्टूबर की डेट जब लखीमपुर खीरी हुआ, और आज अगर इस खीरी की दौड़ में कोई सबसे आगे दिख रहा है तो वो मैडम प्रियंका गांधी है। ये त्रिभगी दशा का जलवा देखिए। इसके बाद चंद्रमा आ रहे हैं, जो कि मैंने कहा माता सपोर्ट नहीं करेंगी फरवरी के बाद, और चीजें मिलती मिलती रह जाएंगी, लेकिन 13 जुलाई 2025 राहु में बृहस्पति त्रिभगी दशा में, विमोचन नहीं, जिंदगी बदल देगा, पार्टी को नया आयाम, नया मुकाम मिलेगा और प्रियंका गांधी लीडर होंगी पार्टी की, यह घोषणा आज कर रहा हूं। और मेरे कांग्रेस के मित्रों से मेरी सलाह कि अगर मैडम को आगे कर दें तो पार्टी से साथ साथ अपोजिशन भी संभल जाएगा। तो मैडम की अगर बारीकी से कुंडली जब देखें इस तरह से, तो ये चीज़ें मिली जो कि त्रिभगी और अष्टक वर्ग में जाके जनरली लोग नहीं देखते। लेकिन उसी के साथ साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ, बृहस्पति मूल नक्षत्र में है, सडन गेम चेंजर होते हैं, जैसे HD देवगौड़ा हुए, इंद्र कुमार गुजराल हुए, वैसा ही कुछ होगा मैडम की कुंडली में भी जो मैं देख पा रहा हूं। उसी के साथ साथ अगर देखें, पुनर्वसु नक्षत्र का प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग है, पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब पुनर्वास, रीस्टैब्लिशमेंट, सो शी विल बी द लेडी हु विल रीस्टैब्लिश द कांग्रेस इन द कंट्री अगेन। इन वॉट मैनर, कितने बड़े रूप से, वो नहीं कह सकते, लेकिन देश दशा काल का महत्व तो हमेशा ही रहता है, जो योगी आदित्यनाथ की कुंडली में मैंने आपको बताया था कि भाई नाइजीरिया में आदमी अगर ब्लैक पैदा हो रहा है तो उसका रीजन है,
दसकी पैदा हो रहे हैं तो उसका रीजन है, वैसे ही देश दशा काल होता है। तो जनवरी के महीने में नजर बनाइएगा या दिसंबर में, एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा पूरा बता देंगे सीएम कौन बनने जा रहा है। हालांकि अभी तक के चार्ट में मैंने योगी आदित्यनाथ को आगे बता रखा है, जो कि अपने चैनल में लोड कर रखा है, उसे आप देख सकते हैं। अखिलेश यादव का चार्ट भी जल्दी ही बताते हैं कुंडली में। और उसी के साथ साथ अगर बात करें तो खास तौर के इसकी कुंडली में जो ज़्यादातर प्रभाव है वो केतु का भी बड़ा बढ़िया है, क्योंकि बुध भी केतु के नक्षत्र में है। और खास तौर से शुक्र की स्थिति दिखा रही है, जो इनकी बेटी होगी ना वो भी बहुत इंटेलिजेंट होगी, वो भी राजनीति को आगे ले जाने की ताकत रखती है। तो ओवरऑल मुझे पता है वाड्रा जी से लेके और चीज़ों का भी आप नाम सुनना चाहते हैं, लेकिन वो हमारा मकसद मुद्दा नहीं है। खराब या अच्छा उसका फैसला आप करिए, जनता करिए। ज्योतिष क्या कहता है मैं वो बता रहा हूँ क्लियर शब्दों में। अभी की दशा दिखाती है मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रही हैं, लेकिन अगर इनका नाम आगे अनाउंस कर दिया जाए मुख्यमंत्री की दौड़ में ना सही, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सीटें बढ़ा देंगी, कांग्रेस की बड़ी खेवनहार होंगी। 2025 से समय बहुत बलवान, आसमान की बुलंदियों को छुएंगी। कुंडली की बात करें, मजबूत नेतृत्व देने की क्षमता, मजबूत कहीं ना कहीं चीजें देने की क्षमता। बस हाँ, खास तौर से जब शुक्र मजबूत होते हैं, बुध मजबूत होते हैं, तो मेहनत करने की क्षमता कम कर देते हैं, लग्जरी बढ़ा देते हैं। तो इसीलिए कहते भी हैं कबीर, पूछे कुल का जन्मिया करनी ऊंच ना होए, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। ऊंचे कुल का जन्म लेने का क्या लाभ, जो कर्म ही अच्छे ना हो, स्वर्ण कलश में मदरा भरी हो तो सज्जन उसकी निंदा ही करते हैं। तो इन लोगों को जमीन पे उतरना चाहिए, उतर के सिर्फ खीरी का इंतजार नहीं करना चाहिए कि लखीम फिर खीरी जैसा उत्तर प्रदेश में कहीं कुछ हो। आप मैदान में उतरेंगे, क्योंकि खास तौर से मंगल स्ट्रांग है, मंगल लड़ने का कारक है, सेनापति है, सेना का कारक है। जितना आप फाइट करेंगे, जितना आप लड़ेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा, आपसे उम्मीद करूंगा इसको वायरल बनाएंगे, शेयर करेंगे व्हाट्सएप में, फेसबुक पे, ट्विटर पे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल, क्योंकि आने वाले समय में कुछ और राजनीतिक बड़ी भविष्यवाणियां करने वाले हैं इसी चैनल में। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।